पावरफुल पीपल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ बातें। भारत में एक तरफ जहां कोरोना महामारी की न्यूज आए दिन आ रही है, वहीं दूसरी ओर एक फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार दर्शकों में देखा जा रहा है, और वो फिल्म कोई और नहीं कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग सीक्वल फिल्म KGF चैप्टर 2 है। इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। KGF चैप्टर 2 को लेकर कन्नड़ के साथ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम दर्शकों में इस तरह की बेकरारी है कि ऐसे तो रजनीकांत की फिल्मों के लिए भी देखने को नहीं मिलती। KGF फिल्म में जितना बड़ा किरदार यश यानी रॉकी का है, उतना ही बड़ा किरदार ऐसे एक विलन का भी है। KGF चैप्टर 1 में गरुड़ा विलन की भूमिका में था, और जिस तरह से रॉकी फिल्म के आखिर में उसकी हत्या करता है, इसके बाद तो जैसे रहस्यों और रोमांच का लेवल दो गुना हो गया है। और अब वही दो गुना रोमांच को बढ़ाने आ रही है KGF चैप्टर 2 में अधीरा यानी बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त। अपने अधीरा लुक में काफी खूंखार और इंटरेस्टिंग लग रही है संजय दत्त का ये लुक। अगर आपने अधीरा के फर्स्ट लुक का पोज देखेंगे जहां वो एक तलवार हाथ में पकड़ के बैठे हुए दिख रहे हैं, पोज से लेकर अधीरा के लुक को देख साल 2013 में आई हॉलीवुड सीरीज विकिंग सीरीज के रगनर की याद दिला देगा। वही हेयर स्टाइल हाथ में रगनर की तरह तलवार पकड़े संजय दत्त का ये लुक मानो विकिंग सीरीज के रगनर की कॉपी हो। ऐसा हम ही नहीं, अधीरा के फर्स्ट लुक के आते ही इंटरनेट पर जहां उनके लुक को लेकर वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ दर्शक उनके इस लुक को कॉपी बता रहे थे। वह आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील इस पर खुद ट्विटर पर ट्वीट करके लिखते हैं कि अधीरा का लुक विकिंग सीरीज के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। तथा आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में क्या आप भी कर रहे थे हमारी ही तरह यश की यूनिक स्टोरी KGF की सीक्वल का इंतजार? अगर आपकी भी थी लंबे समय से ये इच्छा कि फिल्म KGF के मेकर्स जल्द से जल्द एक पार्ट 2 की फिल्म लेकर आए, तो खुशी से खिलखिला उठने की बारी अब आ चुकी है। अभिनेता यश KGF के मेन लीड फाइनली अपनी फिल्म की सीक्वल के साथ तैयार है इंडस्ट्री में एक बार फिर कदम रखने के लिए। दरअसल साल 2018 में आई फिल्म KGF इंडस्ट्री की एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म सिर्फ एक बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं हुई थी, बल्कि लार्ज अमाउंट में दर्शकों को पसंद भी आई थी। ऐसा क्या था KGF में कि लाखों की जनता ने इतना सराहा? एक्चुअली KGF की स्टोरी लाइन तो स्ट्रॉन्ग थी ही, मगर फिल्म के मेन लीड में काम किए एक्टर यश ने अपने लुक सर स्टाइल से आधी सीट यूं ही भरवाने में सक्सेस प्राप्त किया। अरे मेरा मतलब है कि यश के फैंस बिना कुछ जाने समझे बस यश को देखने के मोटिव से ही फिल्म देखने चले गए थे। KGF ने अच्छी खासी कमाई की और जनता का इतना प्यार देखकर फिल्म मेकर्स ने यह डिसाइड कर लिया कि फिल्म का एक दूसरा हिस्सा भी आना चाहिए। फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी है। इनफैक्ट एक्टर यश के जन्मदिन के दिन ही फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया गया था। इस टैक्टिक से आम जनता भले ही बहुत खुश होकर फिल्म के लिए एक्साइटेड हुई, मगर टीजर रिलीज के लिए इसी डेट को चुनना कोई साधारण बात नहीं थी। ये फैंस को एक्साइट करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान थी, जो वाकई में प्रोडक्शन टीम के अकॉर्डिंग काफी सफल हुई। मगर इस दौरान इंतजार तो वाकई ही लंबा रहा। टीजर जनवरी 8 को और फिल्म का अब तक कोई अता पता नहीं। हो भी कैसे सकता है, इस कोरोना की महामारी ने फिल्म मेकर्स और थिएटर ओनर्स की रोजी रोटी पर लात जो मार दी है। पर धीरे धीरे सुधरते हालात को देखकर फिल्म की रिलीज डेट 16 जुलाई की मानी जा रही है। इसका मतलब कि जुलाई में ही KGF 2 के आने की उम्मीद की जा सकती है। मगर क्या सच में फिल्म को रिलीज कर सकने के अवसर है बाहर? अब भी फिल्म की 16 जुलाई की रिलीज को लेकर चर्चा भारी मात्रा में होती दिखाई दे रही है, मगर किसी भी बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट में भी KGF चैप्टर 2 के पूरे टीम ने 16 जुलाई को बतौर रिलीज डेट बता दिया था, मगर अभी फिल्म को और डिले करने की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब इन KGF 2 का कौन सा पोस्टर सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल? मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट की घोषणा के बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब फिल्म का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में अभिनेता यश एक कुर्सी पर बैठे हुए एक और दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में डार्क कलर और दाढ़ी के साथ इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पोस्टर को ट्विटर पर शेयर कर दावा किया है कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के तमिलनाडु भाषा के अधिकारों को फेमस प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स को बेच दिया गया है। बता दें कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को 16 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ा दिया गया था। हाल ही में फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि जल्दी फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। पोस्टर में लिखा है, राक्षस तभी आएगा जब हॉल गैंगस्टरों से भर जाएगा, उनके आगमन की नई डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। साथ ही पोस्टर में एक सैनिक भी नजर आ रहा है। पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लिखा, राक्षस जल्द ही आने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि यश का ये इंटेंस लुक कैसे आया है सामने? कौन है वो इंसान जिसने ये लुक यश को दिया? तो बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि यश के हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम का काम है, जो यश को भी पर्सनली काफी टाइम से जानते हैं और यही रियल लाइफ में भी यश के हेयर स्टाइल करते हैं। जब प्रशांत नील को ये पता चला तो उन्होंने यश को हेयर स्टाइलिस्ट को मूवी में रॉकी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ताकि वो इस पर काम कर सके। बहुत सोचने और समझने के बाद फिल्म आलिम हकीम ने यश को यह रूप दिया जो लोगों ने काफी पसंद किया। बता दें फिल्म में साउथ के सुपरस्टार यश अहम रॉकी का किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा अभिनेता संजय दत्त मुख्य विलन अधीरा के किरदार में नजर आने वाले हैं और अभिनेत्री रवीना टंडन भी अहम रोल प्ले करती दिखाई देंगी। फिल्म केजीएफ का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था। कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज की गई थी। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और चौथी हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। अब केजीएफ 2 अपनी ही फिल्म में बनाए गए कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है ये देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है, क्या केजीएफ 2 500 करोड़ या उससे ज्यादा का बिजनेस कर पाएगी? क्या प्रशांत नील की केजीएफ 2 पर लगी लागत वसूल हो पाएगी? हमें सैंडलवुड सुपरस्टार यश, कैसे हुई उनके करियर की शुरुआत, एक बस ड्राइवर के बेटे कैसे बने लाखों दिलों की जान और एक्टिंग के अलावा क्या पसंद है उन्हें? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी भाई उफ रॉकिंग स्टार यश आज भारत के चहीते स्टार्स में शामिल है जिन्हें साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई पसंद करता है और हर कोई उन्हें फिल्म के नाम से ही जानने लगा। यश जल्द ही कन्नड़ की इस सुपरहिट फिल्म के दूसरे चैप्टर में नजर आने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ अनकही बातें बताते हैं। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उनके पिता अरुण कुमार एक बस ड्राइवर का काम करते थे। यश हमेशा से ही एक सुपरस्टार बनना चाहते थे, इसीलिए अपना घर छोड़ वो बैंगलोर आ गए जहां उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और एक्टिंग की बारीकियों को समझा। आपको बता दें कि इस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे सैंडलवुड भी कहा जाता है, के हाईएस्ट पेड एक्टर है। वो अकेले ऐसे कन्नड़ स्टार है जिनके नाम 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और वह केजीएफ ही है। राजनीति में भी वो काफी एक्टिव है और उन्होंने बीजेपी के लिए 2018 के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग भी किया था। यश एक बार फिर दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ये फिल्म पहले साल 2020 में ही रिलीज होनी थी जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगी या नहीं और क्या ये कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगी। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए। कैसे तोड़ दिया केजीएफ चैप्टर 2 ने बाहुबली का रिकॉर्ड? क्यों रह गया था केजीएफ चैप्टर 2 दौड़ में पीछे? क्या अल्लू अर्जुन के पुष्पा के साथ होने वाला है ये क्लैश? आ गई है वो मूवी जिसने तोड़ दिया है बाहुबली का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी ने तोड़ दिया है खुद बाहुबली का रिकॉर्ड। और अगर हम आपको ये बताएं कि ये कोई बॉलीवुड नहीं है तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि जिस मूवी ने बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा है वो है सैंडलवुड स्टार यश तारर केजीएफ चैप्टर 2। मगर बिना रिलीज हुए इस फिल्म ने कैसे तोड़ा बाहुबली का रिकॉर्ड? दोस्तों हम आपको बता दें कि इस फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीदे हैं टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने 72 करोड़ के तहत। इससे पहले अगर कोई मूवी एल्बम करोड़ों में बिका है तो वो है बाहुबली, लेकिन यश तारर केजीएफ चैप्टर 2 ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब
ये कीमत एक बिग बजटेड बॉलीवुड फिल्म के समान है। बीच में केजीएफ चैप्टर 2 के फैंस थोड़े मायूस हो गए थे क्योंकि अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा ने सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली थी। अल्लू अर्जुन को यहाँ एक टोटली नए अवतार में देखा जाएगा। यूजुअली जिस अल्लू अर्जुन को हम रोमांटिक हीरो के तौर पर जानते हैं वो अल्लू अर्जुन दिखेंगे इस फिल्म में एक नए अवतार में। उनका रोल इसमें होगा एक रेड सैंडल स्मगलर का, इसलिए मोस्ट अवेटेड फिल्म्स के लिस्ट में से केजीएफ थोड़ा पीछे पड़ गया था। मगर जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आती जा रही है वैसे वैसे लोग केजीएफ चैप्टर 2 के लिए पागल हो रहे हैं। और अभी इस 72 करोड़ के प्रॉफिट के बाद तो लोग और भी उतावले हो रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, इस मूवी में दिखेंगी 90s के दो बड़े अभिनेता रवीना टंडन और संजय दत्त। संजय दत्त है मेन विलन केजीएफ के चैप्टर 2 में। इस फिल्म में शायद हम ये जान पाएंगे कि क्या है ताल्लुक गरुड़ा के पिता सूर्यवर्धन रॉकी भाई में, और अगर है भी तो क्यों है। तो कब हो रही है रिलीज केजीएफ चैप्टर 2? दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने वाली थी 16 जुलाई 2021 को, मगर कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से रिलीज पोस्टपोन हो गया है और सितंबर 9th 2021 ये रीशेड्यूल डेट बताई जा रही है। आखिर किस दाम में बिके हैं केजीएफ के ऑडियो राइट्स? क्या है सलार और केजीएफ की कहानी में सेम? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है। फिल्म बनकर तैयार खड़ी है, सिर्फ इसकी रिलीज होना बाकी है। ऐसे में हालात सामान्य होते ही निर्माता इसे थिएटर में रिलीज कर देंगे। इस बीच इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स निर्माताओं ने 72 करोड़ रुपयों में बेचे हैं। यह एक काफी बड़ी रकम है जिससे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। फिल्म में यश के ऑपोजिट लीड रोल में श्रीनिधि शेट्टी नजर आएंगी, जबकि मेन विलन के किरदार में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त नजर आने वाले हैं। साथ ही एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अहम किरदार में नजर आएंगी इस फिल्म में। इसके अलावा फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रकाश राज भी एक अहम किरदार में होंगे। इस फिल्म को मेकर्स 5 भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील हैं। फिल्म को पूरा करने निर्देशक प्रशांत नील पहले से ही अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। केजीएफ 2 के बाद निर्देशक प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म सलार को पूरा करने में बिजी हैं। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। केजीएफ 2 की तरह ही प्रशांत नील की ये फिल्म भी एक डार्क एक्शन फिल्म है। फिल्म में श्रुति हसन एक्टर प्रभास के ऑपोजिट दिखेंगी। फिल्म के एक स्केड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है, अब जल्द ही मेकर्स फिल्म के दूसरे स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे। तो क्या प्रशांत नील के यूनिवर्स की इन फिल्मों को देखने के लिए बेताब है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। सलार गैंगस्टर की कहानी होगी और कैसे प्रभास को अपने मरते हुए दोस्त को किए वादे की वजह से गैंगस्टर बनना पड़ता है, यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि वो फिल्म में गैंगस्टर्स में कैसे बदले और कैसे उसमें हत्या की भावना प्रबल हो गई, ये भी दिखाया जाएगा। जबकि केजीएफ में गोल्ड फील्ड होने में घपलों और घटालों के बारे में दिखाया गया था। केजीएफ में ये भी दिखाया गया था कि कैसे गरीबों के लिए अपने प्यार के चलते यश ने उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कैसे वो दान दक्षिणा में भरोसा रखते हैं। केजीएफ लोगों को काफी पसंद आई थी और अब दर्शक इसके पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि साहो के बाद लोग प्रभास से निराश हैं। इसके अलावा सलार गैंगस्टर की कहानी पर आधारित है और गैंगस्टर पर कई सारी फिल्में पहले ही बन चुकी हैं, जबकि गोल्ड माइंस पर केजीएफ पहली फिल्म है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म पड़े? दोस्तों साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। फिल्म बनकर तैयार खड़ी है, सिर्फ इसकी रिलीज होनी बाकी है। ऐसे में हालात सामान्य होते ही प्रोड्यूसर इसे थिएटर में रिलीज कर देंगे। लेकिन उससे पहले इस फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स निर्माताओं ने 72 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। ये एक काफी बड़ी रकम है जिसे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म में यश के अपोजिट लीड रोल में नजर आएंगे श्रीनिधि शेट्टी, जबकि मेन विलन के कैरेक्टर में नजर आएंगे बॉलीवुड स्टार संजय दत्त। साथ ही एक्ट्रेस रवीना टंडन भी अहम किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में साउथ फिल्म स्टार प्रकाश राज भी अहम किरदार में दिखेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि इस फिल्म को 5 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है। प्रशांत नील जो कि अपनी अगली प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुट चुके हैं। केजीएफ 2 के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी अगली फिल्म
सलार को पूरा करने में बिजी है। इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास नजर आएंगे। केजीएफ चैप्टर 2 की तरह ही प्रशांत नील की ये फिल्म भी एक डार्क एक्शन फिल्म है। फिल्म में श्रुति हसन एक्टर प्रभास के अपोजिट दिखेंगी। फिल्म के एक शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्दी मेकर्स फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग भी पूरी करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यश के फैंस के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे उनके करियर की अभी तक की सभी फिल्मों, फिर चाहे वो उनकी फर्स्ट फिल्म हो या फिर उनकी अपकमिंग नई फिल्म हो। आज हम इतनी देर में उनकी सारी फिल्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि आपको इस वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप यश के एक बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों बात करी जाए इस एक्टर की, तो इस एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक अपनी ऑडियंस को हर बार एक नया किरदार लाकर सामने दिया है, हर बार कुछ अलग प्रेजेंट किया है। फिर चाहे इस एक्टर की पहली फिल्म यानी कि मोगीना मनासु की बात करी जाए, जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी, इस फिल्म में दर्शकों को उनका जेंटल किरदार बड़ा पसंद आया। उन्हें इस फिल्म में अपने किरदार राहुल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। तो भाई पहली फिल्म और पहला अवार्ड तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उनका सिलसिला, उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला यही नहीं रुका। ना सिर्फ इस फिल्म में, इस एक्टर की और फिल्मों को भी दर्शकों ने बहुत हद तक पसंद किया था। ये एक्टर मेनली अपनी रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जहां इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जेंटल किरदार के साथ की थी। आगे चलते चलते इन्होंने रोमांस का जलवा बिखेरना भी शुरू किया। इन्होंने कई सारी फिल्में जैसे कि रॉकी, जानू, इन तरीके की फिल्मों में काफी अच्छा रोमांटिक किरदार निभाया, जो दर्शकों को बहुत हद तक पसंद आया था। और इनकी वर्सेटैलिटी के चर्चे यहीं खत्म नहीं होते। इसके बाद इन्होंने कॉमेडी की दुनिया में भी अपना कदम रखा। इन्होंने फिल्म करी गोकू, राजा हुली, इस तरीके की फिल्मों में इन्होंने अपना कॉमिक अवतार भी सभी को दिखाया, जो दर्शकों को बहुत ज्यादा भाया। और दोस्तों किस्सा अभी भी नहीं थमा। जहाँ दर्शकों ने इन्हें इनकी रोमांटिक और कॉमेडी फिल्मों के लिए पसंद किया, वहीं दूसरी तरफ इनको इनकी एक्शन फिल्मों के लिए भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। एक्शन फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें कई सारे अवार्ड भी हासिल हुए, वहीं उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड से भी नवाजा गया। इस एक्टर ने ना सिर्फ अवार्ड बल्कि दर्शकों के दिलों को भी जीता। बात करी जाए इस एक्टर के प्रदर्शन की केजीएफ सीरीज में, तो भाई ये तो यादगार है। इस सीरीज में इनका परफॉर्मेंस इस तरीके का रहा है जो शायद पहले उनके करियर में दर्शकों ने नहीं देखा था, यानी कि हर बार ये एक्टर दर्शकों को धक्का जरूर दे देते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि आपको पर इंस्पायर्ड से ज्यादा अधीरा का लुक हूबहू रघुनाथ की कॉपी। केजीएफ 2 के म्यूजिक में और कौन कौन सी फिल्म कर रहे हैं केजीएफ स्टार यश, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों यश स्टारर केजीएफ 2 जो आने वाले जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब फिल्म मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि केजीएफ 2 को 9 सितंबर 2021 को रिलीज किया जा सकता है। केजीएफ 2 इन टोटल कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं इस फिल्म का ओवरऑल बजट भी काफी ज्यादा होने वाला है, इसी वजह से अगर इस फिल्म को थिएटर रिलीज मिलता है महज 50% ऑडियंस के साथ, तो ये फिल्म एक बहुत बड़ी लॉस में चली जाएगी। केजीएफ 2 के मेकर्स ने ये भी डिसाइड किया है कि केजीएफ 2 को किसी और फिल्म के साथ रिलीज नहीं किया जाएगा। इस फिल्म का कोई भी बॉक्स ऑफिस क्रैश नहीं होगा। अब बात करें केजीएफ 2 की म्यूजिक एल्बम की, तो मैं आपको बता दूं केजीएफ 2 के म्यूजिक एल्बम ने बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, टी सीरीज और लाहरी म्यूजिक ने इसके म्यूजिक एल्बम को करीब 72 करोड़ के डिजिटल राइट्स के साथ खरीदा है। इतने बड़े अमाउंट के साथ अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी म्यूजिक एल्बम को नहीं खरीदा गया था। वेल दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो वाकई में ये केजीएफ 2 के लिए एक बड़ा प्रॉफिट साबित होने वाली है। केजीएफ 2 में कुल मिलाकर 5 गाने होने वाले हैं और इन गानों की म्यूजिक कॉम्पोजिशन की है रवि बसरूर ने। दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही केजीएफ 2 का पहला गाना रिलीज होने वाला है।
वेल केजीएफ सीरीज के सक्सेस के बाद कन्नड़ एक्टर यश केवल अपनी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि पूरे देश में काफी फेमस हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी फीस भी बढ़ा दी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने केजीएफ 2 के प्रॉफिट का 30% भी डिमांड किया है। यश ने हाल ही में एक थ्रिलर पिक्चर भी साइन की है जिसमें वो एक नेवल ऑफिसर की भूमिका में दिखेंगे। जी हाँ, इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आने वाली है द मोस्ट ब्यूटीफुल तमन्ना भाटिया। अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग की भी शुरुआत हो जाएगी और अगले साल तक इस पिक्चर को रिलीज करने की तैयारी है। KGF 2 का फिलहाल डबिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्रशांत नील इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म में आपको यश का एक दमदार किरदार देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने KGF पार्ट 1 में देखा था। यश के अलावा इस पिक्चर में रवीना टंडन और संजय दत्त भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो हम बात कर रहे हैं फिल्म KGF चैप्टर 2 की और उस फिल्म से जुड़ने वाले एक नए कैरेक्टर, और इसी के साथ साथ हम इस फिल्म के हीरो यानी एक्टर यश की भी अपडेट देंगे। वैसे अगर आपके मन में सवाल होगा इस फिल्म से जुड़ने वाले न्यू कैरेक्टर्स का, तो जी हाँ, आज हम इस फिल्म के रहस्यमय कैरेक्टर इनायत खालिल की बात कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि कैसे दुबई बेस्ड इस डॉन की चर्चा एक मिस्ट्री बनकर रह गई। जहाँ इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर में ये एक अननोन कैरेक्टर में थे, लेकिन इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को एक नई पहचान मिली है। जैसे ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की रिलीज की खबर आई, इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारे रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू कर दिया। जहां इस फिल्म में हमें अलोंग विद अधीरा एक्टर संजय दत्त पोर्ट्रे कर रहे हैं, साथ ही विलन के रोल में इनायत खलील भी नजर आएंगे। और वहीं इस कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं साउथ बेस्ड एक्टर बालकृष्णा नीलकंठपुरम। बता दें कि इस बात को डिस्क्लोज करते हुए फिल्म के मेकर्स खुद इस फिल्म के ऑफिशियल पेज और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर के बर्थडे पर पोस्ट किया और इनकी इस फिल्म में एंट्री और उनके रोल के बारे में भी सभी को जानकारी दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के डिस्क्लोज के बाद लोगों के बीच काफी सनसनी सवालों का पिटारा बन चुका है। कोई ये जानना चाहता है कि क्या आखिर इनायत खलील और अधीरा एक दूसरे का साथ देंगे ताकि वो मिलकर केजीएफ पर अपना कब्जा जमा सके, या इस फिल्म में हमें एक्शन ट्रायंगल नजर आएगा जहां इस फिल्म के स्टार रॉकी भाई और अधीरा के साथ साथ हमें अधीरा और इनायत खलील की भी दुश्मनी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ साथ सभी को मेकर्स ने दिए, जहां उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हमें दुबई बेस्ड गैंगस्टर जो केजीएफ पर अपना राज करना चाहता है, इनायत खलील और अधीरा एक साथ हाथ मिलाएंगे ताकि वो रॉकी को खत्म करके कब्जा कर सके। इतना ही नहीं, हमारे स्टार एक्टर के लाइफ में काफी कुछ नया चल रहा है। जी हाँ, एक्टर ने हाल ही में अपने मिलियंस ऑफ फैंस के साथ अपने नए घर की खुशी जाहिर की, जहाँ एक्टर और उनकी वाइफ को साथ में इस गृह प्रवेश की सारी विधि और पूजा में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस नए घर की कई शानदार पिक्स भी लोगों तक शेयर की। वैसे अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी केजीएफ के सिंहासन। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की और उस फिल्म से जुड़ने वाले एक नए कैरेक्टर, और इसी के साथ साथ हम इस फिल्म के हीरो यानी एक्टर यश की भी अपडेट देंगे। वैसे अगर आपके मन में सवाल होगा इस फिल्म से जुड़ने वाले न्यू कैरेक्टर्स का, तो जी हाँ, आज हम इस फिल्म के रहस्यमय कैरेक्टर इनायत खालिल की बात कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि कैसे दुबई बेस्ड इस डॉन की चर्चा एक मिस्ट्री बनकर रह गई। जहाँ इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर में ये एक अननोन कैरेक्टर में थे, लेकिन इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को एक नई पहचान मिली है। जैसे ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की रिलीज की खबर आई, इस फिल्म के मेकर्स ने इन सारे रहस्यों से धीरे धीरे पर्दा उठाना शुरू कर दिया। जहां इस फिल्म में हमें अलोंग विद अधीरा एक्टर संजय दत्त पोर्ट्रे कर रहे हैं, साथ ही विलन के रोल में इनायत खलील भी नजर आएंगे। और वहीं इस कैरेक्टर में हमें नजर आने वाले हैं साउथ बेस्ड एक्टर बालकृष्णा नीलकंठपुरम। बता दें कि इस बात को डिस्क्लोज करते हुए फिल्म के मेकर्स खुद इस फिल्म के ऑफिशियल पेज और इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टर के बर्थडे पर पोस्ट किया और इनकी इस फिल्म में एंट्री और उनके रोल के बारे में भी सभी को जानकारी दी।
इतना ही नहीं, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के डिस्क्लोज के बाद लोगों के बीच काफी सनसनी सवालों का पिटारा बन चुका है। कोई ये जानना चाहता है कि क्या आखिर इनायत खलील और अधीरा एक दूसरे का साथ देंगे ताकि वो मिलकर केजीएफ पर अपना कब्जा जमा सके, या इस फिल्म में हमें एक्शन ट्रायंगल नजर आएगा जहां इस फिल्म के स्टार रॉकी भाई और अधीरा के साथ साथ हमें अधीरा और इनायत खलील की भी दुश्मनी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब इस फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ साथ सभी को मेकर्स ने दिए, जहां उन्होंने बताया कि इस फिल्म में हमें दुबई बेस्ड गैंगस्टर जो केजीएफ पर अपना राज करना चाहता है, इनायत खलील और अधीरा एक साथ हाथ मिलाएंगे ताकि वो रॉकी को खत्म करके कब्जा कर सके। इतना ही नहीं, हमारे स्टार एक्टर के लाइफ में काफी कुछ नया चल रहा है। जी हाँ, एक्टर ने हाल ही में अपने मिलियंस ऑफ फैंस के साथ अपने नए घर क्यों कहते हैं केजीएफ को एक लिटिल इंग्लैंड और फिल्म केजीएफ 2 में क्या नजर आने वाला है इस बार लिटिल इंग्लैंड, क्या रॉकी को दिखाया जाएगा लिटिल इंग्लैंड का रहने वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ निशा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी के साथ आपके सामने हैं जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी लेकिन शायद कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों है और ना ही कभी जानने की कोशिश करी होगी। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत से बात करें तो केजीएफ की कहानी कहाँ और कैसे आई, कैसे केजीएफ एक लिटिल इंग्लैंड बना, तो बिना स्किप करते हुए देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों बता दूं कि केजीएफ को लिटिल इंग्लैंड इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ ब्रिटिश और एंग्लो इंडियन दोनों तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि ये कॉलोनी ब्रिटिश की सामाजिक लाइफ से ज्यादा प्रेरित था, घर से लेकर छोटी छोटी चीज ब्रिटिश के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। अब दोस्तों आपको बता दें कि जॉन टेलर ने 1885 में वहाँ एक कोलार जिमखाना बनवाया था जो काफी बड़ा और आकर्षक था। वहाँ पर खेल की गतिविधियों को शुरू करने के लिए क्लब की भी स्थापना की गई थी। एक सुंदर विक्टोरियन हाउस बनवाया गया जो इंडिया के सबसे पुराने गोल्फ हाउसिंग में से एक था। दोस्तों बता दूं कि इतना ही नहीं, केजीएफ ब्रिटिश परंपरा से काफी ज्यादा प्रभावित था क्योंकि वहाँ शुरू से ही एंग्लो इंडियन रहा करते थे। उन्होंने वहाँ के रहन सहन को एकदम इंग्लैंड जैसा कर दिया था, ना कि सिर्फ क्लब हाउस बल्कि वहाँ के घरों की बनावट भी इंग्लैंड में बने घरों जैसी है जो देखने में वाकई सुंदर लगते हैं। अब उसे भी कोई देखे तो यही कहता है यार ये तो पूरा इंग्लैंड है। आज भी अगर आप कहीं जगहों पर देखो तो बेंगलुरु के कहीं कहीं जगहों पर वैसे ही घर देखने को मिलते हैं जो इस बात का सबूत है कि वहाँ सच में कभी मिनी इंग्लैंड हुआ करता था। अब दोस्तों वापस से आने वाले हैं ये मिनी इंग्लैंड केजीएफ 2 में। वैसे तो आज के समय में देखें तो बहुत ही कम घर मिनी इंग्लैंड जैसे कर्नाटका के आगे कुछ दूरी पर बचे हैं, लेकिन दोस्तों केजीएफ की कहानी अब तक पूरी नहीं होती जब तक मिनी इंग्लैंड को फिर से जीवित ना किया जाए। लेकिन केजीएफ में कैसे रिक्रिएट होगा मिनी इंग्लैंड, तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक बार फिर से रिक्रिएट करने के लिए प्रशांत नील ने कई गत्ता के घरों का निर्माण करवाया है और काफी मात्रा में VFX का भी इस्तेमाल किया जाना है। दोस्तों बता दूं कि मिनी इंग्लैंड में रॉकी को रहते हुए दिखाया जाने वाला है क्योंकि वो पहले पार्ट में इतना बड़ा आदमी बन गया था जिससे इसकी बातचीत वहाँ के गवर्नर तक हो गई। दोस्तों केजीएफ में मिनी इंग्लैंड को शूट करने के लिए बैंगलोर को फाइनल किया गया था ताकि वहाँ पर पूरी शूटिंग को एक असली रूप दिया जा सके। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि क्या कागज के घरों में रहा जा सकता है, तो दोस्तों बता दूं कि नहीं, कागज के घरों में जाहिर सी बात है नहीं रहा जा सकता। इसके लिए असली शूटिंग को बैंगलोर के असली घरों में ही किया जाए। लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को दो भागों में बांटा गया है और इसका पहला भाग है केजीएफ चैप्टर 1, जिसे हम सब देख चुके हैं और उसे काफी पसंद भी किया गया। इतना पसंद कि उसके दूसरे भाग के आने का इंतजार ही नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी है, स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डाले हुए हैं। रॉकी के रूप में यश कमाल लग रहे हैं। बाकी एक्टर्स के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ऐसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार मूवी एक नहीं बल्कि 5 कदम आगे बढ़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछली बार हमें गाजर का हलवा खाने को मिला था तो इस बार हमें बादाम का हलवा मिलेगा। उफ, मुंह में पानी आ गया। खैर, मूवी के म्यूजिक की बात करें तो बता दे कि साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लहरी म्यूजिक और टी सीरीज को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपीज में बेचे हैं। बता दे, पहली बार की तरह जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ने फिल्म को निखारा था, ऐसी नॉन लीनियर कभी फ्लैशबैक की और कभी इस वक्त की बात करने वाली मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं,
ऐसा कुछ जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये उसी मूवी का आगे का पार्ट होने वाला है। हाँ, पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट देखने को मिलेगा, जैसे 50 से 80 दशक के सेट देखने को मिले थे। यूं ही नहीं कहते, ओल्ड इज गोल्ड, और यहाँ तो सच में गोल्ड था। फिल्म के कई मजबूत पक्षों में से एक होगा इसका डायलॉग, जो हमें पहले की मूवीज में भी देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ साथ इसमें कुछ और डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जैसे लो मैं फिर आ गया, और भाई कहता है मुझे राजनीति नहीं आती। ये दो सबसे ज्यादा और काफी अहम रोल निभाने वाले लोगों के डायलॉग्स होने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे पहले फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवीज याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो, लेकिन 80 के दशक की याद जरूर दिलाएंगे, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे मूवीज में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नजर आने वाला है। इसके साथ ही अग्निपथ वाला अमिताभ जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ KGF 2 में देखने को मिल सकता है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक कहलाती है। दरअसल ये पूरी फिल्म ही 80 के दशक की मसाला फिल्म जैसे होगी, लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगेगी क्योंकि ये यकीनन तौर पर नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलेगी। फिल्म तब पूरी तरह से कर्मशील और फिल्मी लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है, और KGF 2 में सिर्फ रॉकी नहीं सब एक दूसरे को मारेंगे। अब इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है, लेकिन बैलेंस के दामन का जैसे KGF चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में भी साथ नहीं छोड़ा गया था, जहां KGF के एंड ने फैंस को थोड़ा विचलित करके आगे पार्ट की भूमिका भी तैयार की थी, वैसे ही अब KGF 2 में माँ वाला इमोशन भी होगा, रोमांस, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति, षड्यंत्र, सब रंग नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म निश्चित तौर पर सबको कमाल और एक बम्पर की तरह लगने वाली है। यश और आखिर कौन है सैंडलवुड सुपरस्टार यश? कैसे हुई उनके करियर की शुरुआत? एक बस ड्राइवर के बेटे कैसे बने लाखों दिलों की जान? और एक्टिंग के अलावा क्या पसंद है उन्हें? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीक्रास्ट स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। KGF चैप्टर 1 के रॉकी भाई उफ रॉकिंग स्टार यश आज भारत के चहीते स्टार्स में शामिल है, जिन्हें साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई पसंद करता है और हर कोई उन्हें फिल्म के नाम से ही जानने लगा। यश जल्द ही कन्नड़ की इस सुपरहिट फिल्म के दूसरे चैप्टर में नजर आने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको उनके बारे में कुछ अनकही बातें बताते हैं। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। उनके पिता अरुण कुमार एक बस ड्राइवर का काम करते थे। यश हमेशा से ही एक सुपरस्टार बनना चाहते थे, इसीलिए अपना घर छोड़ वो बैंगलोर आ गए, जहां उन्होंने एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में काम किया और एक्टिंग की बारीकियों को समझा। आपको बता दें कि इस समय यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे सैंडलवुड भी कहा जाता है, के हाईएस्ट पेड एक्टर है। वो अकेले ऐसे कन्नड़ स्टार है जिनके नाम 200 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, और वह KGF ही है। राजनीति में भी वो काफी एक्टिव है और उन्होंने BJP के लिए 2018 के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग भी किया था। यश एक बार फिर दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि ये फिल्म पहले साल 2020 में ही रिलीज होनी थी, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगी या नहीं, और क्या ये कोई नया रिकॉर्ड बना पाएगी। खैर, इसके बारे में आपके क्या विचार है हमें बाहुबली को पछाड़ बनने वाली है देश की नंबर 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म, और क्या सुपरस्टार यश हमें दिखने वाले हैं एक नए अवतार में। नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, और आज हम आपको बताने वाले हैं KGF चैप्टर 2 से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। जहां 2018 में KGF के आते ही लोगों में इसके सीक्वल को लेकर एक कमाल की एक्साइटमेंट आ गई थी, वहीं इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद कोई भी डेट सामने नहीं आई है। अधीरा के लुक ने जहां लोगों में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट जगा दी थी, वहीं ऐसे में यश यानी कि रॉकी क्या लुक हो या फिर किरदार, वो भी अगली फिल्म की तरह डबल धमाकेदार होने वाला है। पहले पार्ट में जहां हमने रॉकी को कई सारी परेशानियों और
गरीबी से जूझते देखा था, वहीं इसके सीक्वल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट का रॉकी अब वो रॉकी नहीं रहा, क्योंकि अब वो एक मजबूत और सूझबूझ पहनने वाला रॉकी बन गया है, जिसका स्टाइल और एक्शन पहले वाली फिल्म से भी कई ज्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को तो देखकर यही लगता है कि ये इंडस्ट्री की दूसरी बाहुबली होने वाली है, क्योंकि बाहुबली जैसी मेगा फिल्म की तरह ही इसके फर्स्ट पार्ट ने एकदम तहलका मचा के रख दिया, और ठीक वैसे ही जैसे लोगों को बाहुबली 2 का इंतजार था, केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार भी लोगों के अंदर वैसा ही है। और यही नहीं, लोग तो इस फिल्म की टिकट के लिए प्री बुकिंग करते नहीं थक रहे, वहीं दर्शकों में ठीक वैसा ही पागलपन, जुनून और एक्साइटमेंट केजीएफ चैप्टर 1 के बाद इस फिल्म की सीक्वल के लिए दिख रहा है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे महंगी बनने वाली इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से भी ज्यादा है, और वहीं अगर मैं बॉक्स ऑफिस में इसकी कलेक्शन की बात करूं तो बॉस ये बॉक्स ऑफिस में तहलका मचाने आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली से भी बड़ी फिल्म बनकर उसका रिकॉर्ड तोड़ती है। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रॉकी का नया लुक कैसा। क्या है आखिर केजीएफ का मतलब? कहां से इंस्पायर्ड होकर बनाई प्रशांत नील ने ये फिल्म? क्या वापस से उसी दमदार और एक्शन के साथ दिखने वाले हैं यश? नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। 2018 में आई फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का मजा तो सबने लिया, और फिल्म की स्टोरी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। साउथ की तमाम फिल्म पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत सी फिल्में रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं, और इसी ही एक रियल स्टोरी से इंस्पायर रही केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी। पहले तो हम आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 1 का पूरा मतलब है कोलर गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। ये भारत के कर्नाटक के कोलर जिले में बंगपेट तालुक में स्थित एक सोने का खनन क्षेत्र है। ये भारत की मरामुक्ति सोने की खदानों में से एक थी, जिसे उत्पादन लागत बढ़ाने और कम सोने के उत्पादन के कारण 2001 में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें इस साल असली खदान के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जिसे खदान के साथ ही जला दिया गया था, और तब से सोने की खान की कहानी कभी लोगों तक आ ही नहीं पाई। पर 2018 में इसी खदान की कहानी से शुरू हुई केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी, जिससे इस जगह की जानकारी लोगों तक पहुंची। तो मानना तो पड़ेगा कि फिल्में भी हमें काफी कुछ बता जाती हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण केजीएफ चैप्टर 1 रहा। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी भी इसी कोलर गोल्ड की खादान से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, जहां फिल्म में हमें कुछ फिक्शनल टच के साथ ऐसी बेहतरीन फिल्म देखने को मिली जो कहीं ना कहीं उस समय के दिनों में वहां के लोगों पे हो रहे अत्याचार और उस वक्त की कहानी हमें इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने दिखाई। वहीं अब आने वाली केजीएफ चैप्टर 2 में दिखेगी इसके आगे की कहानी। और आपको बता दें, अब आपका गरीब रॉकी बन चुका है एक अमीर रॉकी भाई, जो कर रहा है पूरे बैंगलोर पर राज। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी की तरह ही दमदार और जांबाज होगा आने वाला रॉकी भाई, या फिर इस बार प्रशांत नील कुछ नया और अनोखे अंदाज के साथ फिल्म के लीड किरदार यानी रॉकी को पर्दे पर उतारेंगे। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 1 सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय फिल्मों में से एक है, जो दिसंबर 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की प्रशंसकों और आलोचकों द्वारा किसी भी भाषा की बाधाओं के बावजूद सराहना की गई, जिससे यश उर्फ रॉकी भाई के लिए बड़ी पहचान हुई। जबकि अब केजीएफ का सीक्वल आने वाला है, रॉकी भाई एक ऐसा किरदार है जिसे प्रशंसकों द्वारा शुरुआत से ही काफी पसंद किया गया है उनके राउडी और अलग अंदाज के लिए, और अब फैंस अपने पसंदीदा रॉकी भाई को फिर
फिर से बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। उस नोट पर केजीएफ अध्याय 2 से यश का ये नवीनतम नया पोस्टर जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, सीक्वल के लिए सभी के उत्साह को बढ़ा रहा है। अपने चरित्र रॉकी भाई में यश की विशेषता वाला ये बिल्कुल नया पोस्टर एक घोषणा के साथ आता है कि केजीएफ अध्याय 2 के तमिलनाडु अधिकार लोकप्रिय प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स को बेचे गए हैं। नए पोस्टर में यश को गहरे रंग के लुक और उबड़ खाबड़ दाढ़ी के साथ तीव्र और शक्तिशाली देखा जा सकता है, क्योंकि वो एक कुर्सी पर बैठे विचारों में खोया हुआ है। पोस्टर देख फैंस की एक्साइटमेंट आसमान छू रही है। केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुई थी, जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और अब इस फिल्म का सीक्वल चल रहा है। यश के अनुसार केजीएफ 2 केजीएफ 1 का 5 गुना होगा, जबकि यश और श्रीनिधि शेट्टी केजीएफ अध्याय 1 में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दूसरी किश्त केवल बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ बड़ी हो गई है, जो अधीरा की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की दूसरी विलन और बॉलीवुड अभिनेता रवीना टंडन भी सीक्वल का हिस्सा है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित सीक्वल में प्रकाश राज, राव रमेश, अनंत नाग, वशिष्ठ एन सिम्हा और अन्य भी हैं। इस नए पोस्टर में यश गुस्से में ऐसे देख रहे हैं जैसे वो अपने लक्ष्य के लिए काफी फोकस्ड हो। उन्हें देखकर ऐसा भी लग रहा है कि उनकी आंखें गुस्से से बदले की आग में जल रही हो। उनकी आंखों का गुस्सा देख ऐसा भी लग रहा है जैसे उनके साथ किसी ने धोखा किया हो, और अब वो तभी शांत होंगे जब वो उस इंसान से बदला लेंगे। केजीएफ 2 में एक शानदार नेता के रूप में रवीना टंडन भी नजर आने वाली है, और फिल्म की कास्ट भी शानदार है। ऐसे में दर्शकों की उत्सुकता इस फिल्म के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बाहुबली देखने के बाद तो सब क्या यश जल्द दिखाई दे सकते हैं बॉलीवुड की फिल्मों में? क्या केजीएफ चैप्टर 1 की तरह ही केजीएफ चैप्टर 2 में भी दमदार डायलॉग देखने को मिलेगा? कौन सी हीरोइन संग करना चाहते हैं काम यश? नमस्कार, बॉडीगार्ड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया? पर भाई अपने को तो केजीएफ चैप्टर 2 मांगता है। दर्शकों में प्रशांत नील की आने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के लिए काफी एक्साइटमेंट है, और वो भी क्यों ना। 2018 में आई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद ऐसे दमदार फिल्म के सीक्वल के लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। आने वाली इस सीक्वल में भी हमें काफी जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं। तमिल की फिल्म में स्टोरी के साथ साथ एक्शन और डायलॉग का सही मेल जोल देखने को मिलता है। उनके खतरनाक एक्शन की तरह ही उनके दमदार डायलॉग भी होते हैं फिल्म में। केजीएफ चैप्टर 1 का ही फिल्म का डायलॉग सुन लीजिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। वही इंडस्ट्री में जहां काफी समय से अदला बदली देखने को मिल रही है, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री की आप बॉलीवुड की ओर हो या बॉलीवुड का साउथ की ओर। जी हां, इस साल यानी साउथ के सुपरस्टार, चाहे वो रश्मिका मंदाना हो, विजय देवराकोंडा हो या नागार्जुना, अब आलिया भट्ट, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे कलाकार भी साउथ का रुख ले रहे हैं। संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 से ही अधीरा के किरदार से साउथ इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये साउथ और बॉलीवुड की अदला बदली में बाजी कौन मारता है। ऐसे में जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार नजर आ रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो चांसेस है कि केजीएफ चैप्टर 1 से फेम पाने वाले यश यानी रॉकी भाई जल्द ही अपना बॉलीवुड डेब्यू करते नजर आ सकते हैं। वैसे आपको बता दे, बॉलीवुड में डायरेक्शन के नाम पर यश का राजू हिरानी का काम काफी पसंद आता है, और बैंगलोर की एक खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण संग वो काम करना पसंद करेंगे। हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे कन्नड़ सुपरस्टार यश ने कैसे सभी के दिल में कब्जा किया है। सभी इनके बारे में हर चीज जानना चाहते हैं। जहां हम जानते हैं कि कैसे एक्टर ने रातों रात कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की शान बढ़ा दी है, यही नहीं एक्टर ने इंडस्ट्री को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दी। आज हम एक्टर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और लिस्ट की बात करेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे हैं इस एक्टर की नई फिल्म कौन सी होगी, तो हम आपको बता दें, अदर देन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2,
एक्टर की नई फिल्म भी इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में रिलीज की जाएगी, जो है माय नेम इज किराटका, जहां हमें वो लीड रोल में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन मूवी है जहां हमें एक्टर के साथ साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस नंदिता श्वेता और चिकना भी नजर आने वाली है, जहां हमें इस फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आएंगे अनिल कुमार और प्रोड्यूस करेंगे जयन्ना भोगेंद्र अंडर जयन्ना कम्बाइंस। इस फिल्म में हमें एक्टर का एक अलग रूप देखने को मिलने वाला है, जहां हमें वो एक रोमांटिक हीरो के रोल में नजर आएंगे। वही एक्टर अपने प्यार के लिए सभी के अगेंस्ट जाकर खुद के लिए फाइट करते दिखेंगे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा इस फिल्म में कॉमेडी ना हो, बल्कि जहां एक्टर चिकना नजर आएंगे वहां इस फिल्म में कॉमेडी तो होगी ही होगी। वही इस फिल्म में हमें एक्टर एक एक्शन रोमांटिक और कॉमेडी रोल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक्टर के न्यू फैंस के लिए शायद एक नया अवतार होगा, लेकिन एक्टर ने अपने करियर में अब तक कई रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म्स किए हैं और इन सभी फिल्म्स में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग दिखाई है, जिसे सभी ने काफी सराहा था। अब अगर फिल्म केजीएफ की बात करें तो इस फिल्म में एक्टर को एक अलग ही स्वैग में देखा गया है, जहां न सिर्फ एक्टर ने सभी का दिल जीता बल्कि सभी के होश भी उड़ा दिए हैं। वैसे इस फिल्म के रिलीज ने तो सभी को बेताब कर रखा है, तो हम आपको बता दें जल्द ही आपका इंतजार खत्म होगा। मेकर्स इस फिल्म की रिलीज बाहुबली के बाद अगर इंडियन ऑडियंस ने किसी साउथ फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार दिया है तो वो है केजीएफ। जी हाँ, केजीएफ ने तबाही मचा दी थी ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि ऑडियंस के बीच में। कन्नड़ फिल्म स्टार यश, जो पहले केवल साउथ इंडस्ट्री में फेमस थे, आज वो दुनिया भर में अपने रॉकी के किरदार के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रॉकी के किरदार पर ही कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। केजीएफ चैप्टर 1 ने तहलका मचा दिया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, खास तौर पर रॉकी के किरदार ने, पर उनके इस किरदार में काफी ज्यादा एटीट्यूड देखने को मिला जो इंडियन ऑडियंस को पसंद आई थी। इसी वजह से ऑडियंस केजीएफ 2 का भी लंबे अरसे से बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब आखिर केजीएफ 2 रिलीज होगी। मैं आपको बता दूं, केजीएफ 2 में आपको कई नए किरदार देखने को मिलेंगे और इन्हीं में से एक है प्रकाश राज का किरदार। वेल, जब से इस बारे में अनाउंसमेंट हुई कि प्रकाश राज भी केजीएफ 2 में नजर आने वाले थे, तो ऑडियंस इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि आखिर उनका कैरेक्टर कैसा होने वाला है केजीएफ 2 में। केजीएफ 2 में प्रकाश राज विजेंद्र इंगाल्डी का किरदार निभाने वाले हैं और ये हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या वो इस फिल्म में इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रॉकी का साथ देते हुए नजर आएंगे या फिर उसके अंत का ही कारण बनेंगे। जिन लोगों ने भी केजीएफ चैप्टर 1 देखी होगी उन्हें तो ये बात पता ही होगा कि केजीएफ चैप्टर 1 का आंसर हीरो यश था। जी हाँ, यश ने पूरे फिल्म के दौरान तहलका मचा दिया था। एक तरफ गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ उसकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती रहती थी, लेकिन सबसे बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस हमें केजीएफ चैप्टर 1 में तब देखने को मिला जब यश का सामना हुआ इनायत से। केजीएफ चैप्टर 2 चैप्टर 1 से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। जी हाँ, इसकी स्टोरी लाइन भी एकदम यूनिक और डिफरेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, चैप्टर 2 में आपको रॉकी के पास्ट की कहानी देखने को मिलेगी। हमें ये देखने को मिलेगा कि आखिर कैसे रॉकी को उसकी सिंगल मदर ने पाल पोस के बड़ा किया और रॉकी के पिता के इतिहास के बारे में भी हमें पता चलेगा चैप्टर 2 में। ओवरऑल केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी लाइन काफी इमोशनल होने वाली है और इसी वजह से ऑडियंस को अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हमारी ऑडियंस जितनी जल्दी हो सके केजीएफ 2 को देखना चाहती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि VFX का भी इस्तेमाल भरपूर किया गया है चैप्टर 2 में, ताकि ऑडियंस को मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद आए और बड़े पर्दे पर देखने में भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। आप सभी कितने एक्साइटेड है केजीएफ 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनिया प्रणावत को दीजिए इजाजत। अगर केजीएफ चैप्टर 2 के इंतजार में है सारा हिंदुस्तान, क्या होने वाला है रॉकी भाई का अंजाम, ये जानने के लिए लोग हो रहे हैं उतावले। प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज बार बार हो रही है पोस्टपोन, तो आखिर कब होगी रिलीज केजीएफ चैप्टर 2? तो आइए जानते हैं और साथ में जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश, श्रीनिधि रेड्डी, रवीना टंडन और संजय दत्त हैं पिविटल रोल में।
रवीना टंडन को बहुत अरसे के बाद देखा जा रहा है किसी मूवी में एक्ट करते हुए, क्योंकि उनको यूजुअली रियलिटी शोज को जज करते हुए देखा जाता है। लेकिन रवीना टंडन किसी ऐसे वैसे रोल्स नहीं, बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन निभा रही हैं एक श्रीयुत पॉलिटिशियन का रोल जिसका नाम है रमिका सेन। इस मूवी में हम संजय दत्त को देखेंगे अधेरा की भूमिका में, जिसके साथ होने वाला है रॉकी भाई का फाइनल शोडाउन। केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में ये लाइन स्पेसिफिकली दिखाया जाता है कि द प्रॉमिस विल बी केप्ट, जो हमें ये बताता है कि रॉकी अपनी माँ से किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि रॉकी ने अपने माँ से ये वादा किया था कि मरते वक्त वो सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। तो क्या सच में होने वाली है रॉकी की डेथ? केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि कैसे रमिका सेन इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल की डेथ वारंट साइन करती है। तो क्या ये क्रिमिनल अधेरा है या रॉकी? लोगों लगता है कि ये रॉकी का ही डेथ वारंट है, मगर ये रॉकी नहीं भी हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 2 के स्टोरी में आ सकते हैं काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स। केजीएफ चैप्टर 2 में ये भी संभावना है कि रॉकी मर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रॉकी अपने आप से ये डेथ वारंट का साया हटा ले। रॉकी गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ जुड़कर बाकी शरीकों को भी हटा सकता है ताकि केजीएफ उसका बन जाए, और इसमें मदद कर सकती है खुद रमिका सेन। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अंजाम रॉकी का केजीएफ चैप्टर 2 में? ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। इस फिल्म की रीशेड्यूल रिलीज सितंबर 9 को थी, लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म से जुड़े एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है कि नए तारीख पर रिलीज होगी केजीएफ चैप्टर 2। कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये फिल्म सितंबर 9 को रिलीज नहीं होने वाली है, ये तो कंफर्म है। तो क्या आप हैं एक्साइटेड केजीएफ चैप्टर 2 के लिए? हमें बताइएगा जरूर। और फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या है आखिर केजीएफ का मतलब? कहां से इंस्पायर्ड होकर बनाई प्रशांत नील ने ये फिल्म? क्या वापस से उसी दमदार और एक्शन के साथ देखने वाले हैं यश? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। 2018 में आई फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का मजा तो सब ने लिया, और फिल्म की स्टोरी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। साउथ की तमाम फिल्म पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत सी फिल्में रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होती हैं, और इसी ही एक रियल स्टोरी से इंस्पायर रही केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी। पहले तो हम आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 1 का पूरा मतलब है कोलर गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। ये भारत के कर्नाटक के कोलर जिले में बंगपेट तालुक में स्थित एक सोने का खनन क्षेत्र है। ये भारत की मरामुक्ति सोने की खदानों में से एक थी, जिसे उत्पादन लागत बढ़ाने और कम सोने के उत्पादन के कारण 2001 में बंद कर दिया गया था। आपको बता दें इस साल असली खदान के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जिसे खदान के साथ ही जला दिया गया था, और तब से सोने की खान की कहानी कभी लोगों तक आ ही नहीं पाई। पर 2018 में इसी खदान की कहानी से शुरू हुई केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी, जिससे इस जगह की जानकारी लोगों तक पहुंची। तो मानना तो पड़ेगा कि फिल्में भी हमें काफी कुछ बता जाती हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण केजीएफ चैप्टर 1 रहा। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी भी इसी कोलर गोल्ड की खादान से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, जहां फिल्म में हमें कुछ फिक्शनल टच के साथ ऐसी बेहतरीन फिल्म देखने को मिली जो कहीं ना कहीं उस समय के दिनों में वहां के लोगों पे हो रहे अत्याचार और उस वक्त की कहानी हमें इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने दिखाई। वहीं अब आने वाली केजीएफ चैप्टर 2 में दिखेगी इसके आगे की कहानी। और आपको बता दें अब आपका गरीब रॉकी बन चुका है एक अमीर रॉकी भाई, जो कर रहा है पूरे बैंगलोर पर राज। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या केजीएफ चैप्टर 1 के रॉकी की तरह ही दमदार और जांबाज होगा आने वाला रॉकी भाई, या फिर इस बार प्रशांत नील कुछ नया और अनोखे अंदाज के साथ फिल्म के में बल्कि ऑल ओवर द इंडिया तहलका मचा दिया था और जबरदस्त कमाई भी की थी
बॉक्स ऑफिस पर। KGF में कन्नड़ फिल्म एक्टर यश अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे और मेल लीड के तौर पर वो ही दिखे थे जिन्होंने निभाया था रॉकी का किरदार। दोस्तों उनके इस किरदार को ऑडियंस का भरपूर अप्रेजल मिला। जी हाँ, रॉकी का किरदार काफी रफ एंड टफ और एटीट्यूड वाला था। अब बात करें KGF चैप्टर 2 की तो आपको चैप्टर 2 में एक बड़ा और मेजर ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सीधे तौर पर चैप्टर 2 में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखेगा, वो भी CBI का। KGF के पहले भाग में हमें ये देखने को मिला था कि कैसे KGF की चाबी रॉकी के हाथ लग गई है। वेल दोस्तों, चैप्टर 2 में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट नजर आने वाला है। जी हाँ, सीधे तौर पर CBI का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है चैप्टर 2 में। प्रशांत नील ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिससे हमें ये अंदाजा तो मिल गया कि KGF चैप्टर 2 में केवल इनायत और अधीरा ही रॉकी के पीछे नहीं पड़े होंगे बल्कि गवर्नमेंट भी रॉकी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। इस अपकमिंग फिल्म में राव रमेश एक इम्पोर्टेंट CBI ऑफिसर का किरदार निभाने वाले हैं। राव रमेश का किरदार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है KGF चैप्टर 2 में। हमें ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो कोलार गोल्ड से जुड़ा हुआ तमाम राज खोलने के पीछे लगे होते हैं और साथ ही रॉकी के अंत का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि KGF चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी भी एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। वो इस अपकमिंग फिल्म में रॉकी के लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आएंगी। श्रीनिधि शेट्टी ने KGF चैप्टर 1 में रीना देसाई का किरदार निभाया था और हमने देखा था कि किस तरीके से वो रॉकी को पसंद नहीं करती हैं KGF के पहले भाग में। वहीं दूसरे भाग में कुछ प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ, इस अपकमिंग फिल्म में हमें उनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी और ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रीना को भी रॉकी से प्यार हो जाता है। KGF चैप्टर 2 में एक और बात सामने आ रही थी कि शायद इस अपकमिंग फिल्म में रॉकी के किरदार की मौत हो जाए। जी हाँ, हमारे रॉकी भाई इस दुनिया को टाटा गुड बाय कह दे। फिलहाल इस बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है तो हमारे ऑडियंस को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सभी कितने एक्साइटेड है KGF चैप्टर 2 के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आनी है पढ़ना, बच को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साउथ सुपरस्टार यश की KGF पार्ट 1 पूरे देश में तहलका मचा रही थी। फिल्म के धांसू एक्शन सीन्स को देख दर्शक चौंक गए थे और सीधे सिनेमा घर की ओर भाग खड़े हुए थे। फिल्म KGF पार्ट 1 की सफलता के बाद से ही दर्शकों को KGF पार्ट 2 का इंतजार है जिसे इस साल के एंड तक रिलीज करने की प्लानिंग हो रही है। फिल्म KGF 2 में यश के सामने संजय दत्त जैसे धांसू एक्टर खलनायक के रूप में दिखेगा। संजय दत्त KGF 2 में अधीरा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बेहद अलग ही लुक अपनाया है। संजय दत्त का फर्स्ट लुक पोस्टर जब रिलीज हुआ था तो दर्शकों ने उनकी काफी तारीफ की थी। वेल, अब KGF 2 से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रोड्यूसर ने संजय दत्त के कैरेक्टर अधीरा को भुनाने के लिए एक गजब का प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संजय दत्त फिल्म KGF 2 में एक धमाकेदार गाने पर एंट्री मारेंगे। मेकर्स ने म्यूजिक कंपोजर को बताया है कि उन्हें सलाम रॉकी भाई जैसा ही एक धमाकेदार एंथम सॉन्ग चाहिए जिस पर दर्शक नाचने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों, देखा जाए तो पार्ट 1 में एक सॉन्ग आया था प्रोड्यूसर ने जो कि यश के ऊपर फिल्माया था, सलाम रॉकी भाई, जो बहुत ही फेमस हुआ था। मेकर्स चाहते हैं कि अधीरा के ऊपर भी इस तरह का एक गाना फिल्माया जाए ताकि KGF 2 का लेवल बढ़ जाए। दोस्तों, मेकर्स काफी बड़ा धमाका करने वाले हैं KGF 2 से और उनके कैरेक्टर से। देखा जाए तो अधीरा के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने भी कहा था कि मैंने अधीरा जैसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं निभाया। मैं इस कैरेक्टर के लिए 1.5 घंटे मेकअप करता हूँ, इस रोल के लिए काफी मेहनत करता हूँ और उम्मीद है कि ये लोगों को पसंद आएगी। वेल दोस्तों, फर्स्ट लुक और उनका कैरेक्टर और उनका लुक, ओवरऑल सब कुछ माइंड ब्लोइंग था। इंतजार हमें फिल्म की रिलीज का। KGF पर अपनी सत्ता जमाने के बाद रॉकी भाई अब बन गए हैं काफी ताकतवर। अब KGF फैंस पड़ गए हैं सोच में कि क्या इतना दूर आकर रॉकी मारा जाएगा। अब ये तो फिल्म ही बता सकती है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि रॉकी के बचने के चांसेस भी है। जी हाँ, क्या KGF हासिल करने पर भी बन गया है रॉकी इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, या फिर बीच में खेली गई उसके साथ कोई गंदी चाल।
हम देख सकेंगे ये केजीएफ चैप्टर 2 में। रॉकी के सत्ता को गिराना इतना आसान काम नहीं होगा, तो इसलिए ये कोई रॉकी का अपना ही बंदा है जो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। केजीएफ चैप्टर 2 में हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे रॉकी के माँ ने उसे बड़ा किया, उसे दुनियादारी की सीख दी, जिससे हमें रॉकी के अतीत के बारे में और भी बहुत कुछ पता चल सकता है। केजीएफ चैप्टर 2 में शायद रॉकी ये भी जान पाएंगे कि उसके पिता कौन है जो उसको कश्मकश में ढकेल सकता है। केजीएफ चैप्टर 2 में होंगे इसलिए काफी सारे इमोशनल सीक्वेंसेस जो हमें ये दिखाएंगे कि रॉकी दिल से उतना भी खराब नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद ये एक और इंडियन फिल्म बनने वाली है बाहुबली की तरह, जो एक इंटरनेशनल सेंसेशन बनेगी। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर एवेंजर्स एंड गेम और इनक्रेडिबल्स 2 जैसे मूवीज से व्यूज लाइक्स में बहुत आगे है। एवेंजर्स एंड गेम में है 141.91 मिलियन व्यूज और इनक्रेडिबल्स 2 का व्यू काउंट है 148.59 मिलियन। तो वही हमारे केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर के व्यूज है 175.59 मिलियन से भी ज्यादा, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर लाइक्स है 3.5 मिलियन, वही केजीएफ चैप्टर 2 के लाइक्स है 8 मिलियन। रॉकिंग स्टार यश की ये फिल्म बन रही है इंटरनेशनल सेंसेशन बाहुबली की तरह। इस फिल्म में रवीना टंडन है रमिका सेन की भूमिका में। 21 साल बाद रवीना टंडन किसी कन्नड़ स्पीकिंग फिल्म में काम कर रही है और वो कोई आम फिल्म नहीं है बल्कि केजीएफ चैप्टर 2। मगर क्या आपको पता है कि रवीना ने चैप्टर 1 में ये रोल करने से मना क्यों कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, रवीना ने पहले चैप्टर में रमिका सेन का किरदार अदा फरमाने से इनकार कर दिया था, मगर ये इसलिए किया था क्योंकि तब भी चैप्टर 2 में उनका कैरेक्टर फुल्ली डेवलप नहीं था, इसलिए अगर वो चैप्टर 1 करती तो वो कैरेक्टर फिल्म में अच्छी तरह से नहीं बैठता, तो इसीलिए रमिका सेन का कैरेक्टर पूरी तरह से चैप्टर 2 में शिफ्ट कर दिया गया था। इस फिल्म में विलन के तौर पे दिखने वाले हैं संजय दत्त, और उनका मानना ये है कि इस फिल्म में जो विलन है अधीरा, वो थानोस से भी खतरनाक है, और ऐसा एक रोल वो काफी अरसे से ढूंढ रहे थे। तो पावर पैक्ड एक्शन और इमोशन से बनी केजीएफ 2 के लिए क्या आप तैयार हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसे कैसे ही है, और कौन है वो घर का बेदी जो हो गया रॉकी के साम्राज्य के पतन का कारण? क्यों किया विराट ने अपने ही भाई गरुड़ा से गद्दारी? क्या कुलकर्णिका की डबल एजेंट है, और कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, और बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केजीएफ चैप्टर 1 में हमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर मिले थे जो केजीएफ चैप्टर 2 में काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे कि रामिका सेन जिनका किरदार निभा रही है रवीना टंडन, विनय बिड़प्पा जो निभा रहे हैं गरुड़ के भाई विराट का किरदार, गुरु पांडियन जिसे प्ले कर रहे हैं अच्युत कुमार, बालकृष्ण नीलकंठन जो निभा रहे हैं किरदार इनायत खलील का, निनास्वाम अश्वन जो प्ले कर रहे हैं कुलकर्णी का रोल, और अधीरा जिनको निभा रहे हैं संजय दत्त, जिनके बिना केजीएफ चैप्टर 2 रॉकी भाई के होते हुए भी अधूरी है। फैंस को इन किरदार के बारे में तो जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन वो अभी जानना चाहते हैं कि कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये सारे कैरेक्टर केजीएफ चैप्टर 2 में करने वाले हैं। वहीं सबसे पहले फैंस ने निशाना साधा है गरुड़ के भाई विराट और कुलकर्णी पर। वहीं चैप्टर 1 में तो हमें ये पता चल गया था कि कुलकर्णी और विराट गरुड़ का पतन चाहते हैं, लेकिन ये क्यों चाहते हैं ये वहाँ नहीं दिखाया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि विराट चुपके चुपके अपने भाई का पतन चाहता था, उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था ताकि केजीएफ उसका हो सके, लेकिन ये भी हो सकता है कि विराट अधीरा को केजीएफ का असली हकदार मानता हो और इसी वजह से गरुड़ा को रास्ते से हटाना चाहता हो। लेकिन ये भी कहना सेफ है कि कुलकर्णी के अभी कई सारे राज पर्दे पर ही हैं। अगर देखा जाए तो कुलकर्णी उन ऑफिसर्स में हो सकते हैं जो चैप्टर 1 में नराची में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, जहाँ कोलार माइन में सोना मिला था जो कि पहले एक लाइमस्टोन माइन हुआ करता था। ये सोना सूर्यवर्धन निकाल लाया और वहाँ पर सारे ऑफिसर को मार दिया, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर था जो बच गया, वो हो सकता है कुलकर्णी हो। लेकिन क्या पता कुलकर्णी ने अपनी जान की खातिर सूर्यवर्धन से हाथ मिला लिया हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी होगी चैप्टर 1 में
कि कुलकर्णी लंगड़ाते हुए चल रहा था, यानी कि उसके पांव में कभी काफी गहरी चोट आई थी। तो अगर हम ये मान ले कि कुलकर्णी ने सूर्यवर्धन से अपनी जान के खातिर हाथ मिला लिया है, तो ये मानना भी गलत नहीं होगा कि वो केजीएफ से जुड़ी सारी सीक्रेट्स को गवर्नमेंट को लीक कर रहा था। तो क्या असल में कुलकर्णी कर रहा था डबल एजेंट का काम, ताकि केजीएफ से जुड़े सारे राज गवर्नमेंट एक ही बारी में खत्म कर सके? अब ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप हमें बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आप सब भी ये जानना चाहते हैं कि ये सब कब हुआ था। तो दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के रिलेटेड व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हु एंड हाउ, यानी कि आपके मन के हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब दोस्तों, फिल्म रॉकी यानी यश की कहानी है, जिसकी माँ उसे बचपन में अनाथ छोड़कर गुजर जाती है। वो मुंबई में अपनी मरती हुई माँ को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आता है, और वादा ये होता है कि रॉकी दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बनेगा। लेकिन रॉकी एक ऐसे दलदले में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, और दोस्तों अब आने वाले समय में गैंगस्टर बन जाता है। लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में मेकर्स ने हमें संकेत दिया है कि ये वादा सीक्वल में पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक इंसान की कहानी से प्रेरित है, बल्कि ये कहानी 3-4 सिरों को अपने साथ जोड़ती हुई चल रही। तो दोस्तों, जिसका पहला सिरा है रॉकी का कैरेक्टर, जो राउडी थंगम पर आधारित था और एक अपराधी था जिसे 1997 में पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। तो मतलब दोस्तों, रॉकी की कसम, बदला, दयालुता, चालाकी सब कुछ इस राउडी थंगम से होने वाली है। लेकिन बेशक इसमें काफी सारे बदलाव भी किए जाने वाले हैं। अब दोस्तों, दूसरा सिरा जो खुद केजीएफ है, यानी कि सोने की खान, जो आज भी कर्नाटक में मौजूद है। केजीएफ की फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो दोस्तों, ये जगह बैंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। अब दोस्तों, केजीएफ में माइनिंग 1875 में शुरू हुई थी, जब एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक ने कोलार में सोने की खदान का काम शुरू किया। 1880 में खदान के कामों को जॉन टेलर और उनके बेटों ने संभाला। दोस्तों, 1902 तक केजीएफ से बहुत बड़ी मात्रा में सोने का खनन किया गया। कोलार को मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, जिसका जिक्र भी अब केजीएफ 2 में किया जाने वाला है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये सब कैसे केजीएफ 2 में दिखाया जाने वाला है। अब अगर इससे तरीके कहानी या सिरे की बात करें तो वो खुद अधीरा का किरदार है, जिसे हॉलीवुड फिल्मों के खूंखार विलन से प्रेरणा लेकर बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, चाहे वो अधीरा का थानोस और एवेंजर्स जैसा बदला लेने की भावना हो, या अधीरा का थानोस जैसे गेट अप हो, मतलब पूरा ये कि केजीएफ 2 में अधीरा के किरदार को हॉलीवुड से लिया गया है। अब दोस्तों, चौथे सिरे की बात करें तो ये चौथा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि इसके जुड़ते ही कहानी सिर्फ दो इंसानों के बीच की लड़ाई ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ ले लेती है। और इस गुंडे की कहानी में एक राजनेता की एंट्री होती है, और राजनेता भी ऐसा जो अपने जमाने में हिटलर कहलाई गई थी। जी, जो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगवाई, अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ी और फिर जीतकर गद्दी पर वापस बैठ गई। इन सब के बावजूद मोम की गुड़िया कहलाई गई। अब दोस्तों, केजीएफ 2 में इनका नाम रमिका सेन होने वाला है, जिसको रवीना टंडन निभाती नजर आएंगी। तो दोस्तों, देखा कैसे फिल्म की कहानी मनोरंजन के लिए बदली जरूर गई है, लेकिन किरदार, स्टोरी लाइन और जगह सच्ची घटना पर आधारित है। अब तो दोस्तों, वो बात अलग है कि सच्ची घटना की तलाश कभी हॉलीवुड तो कभी किसी निजी जिंदगी और शहर को भी राजनीतिक रूप ले लेती है। लेकिन दोस्तों, रॉकी भाई के पिता की कौन होने वाले है रॉकी के पिता? क्या ये मिस्ट्री खुलेगी केजीएफ चैप्टर 2 में? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो उस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रॉकी की माँ का किरदार ऐसा दिखाया है कि देखने वाले का दिल बहल जाता है। माँ और बेटे की ये दास्ता जो सुनाई है इस फिल्म में, वो ऐसी है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती है, और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो इसे चार चांद लगा दिए है। माँ तो सभी का पहला प्यार होती है, और इस फिल्म में भी ये बखूबी दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि रॉकी और उनकी माँ के हालात बहुत बुरे होते हैं। उनकी माँ मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती है, लेकिन दुर्भाग्यवश यश की माँ को बीमारी हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। यश उस समय काफी छोटे होते हैं, लेकिन जाते जाते उनकी माँ उनसे एक वचन ले जाती है, और वो ये होता है कि वो जिए कैसे भी, लेकिन अंत में वो अमीर बन के देश पे राज करके ही मरेंगे। और रॉकी बस इसी कोशिश में जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, रॉकी के पिता कौन होते हैं और इनका जिक्र इसकी कहानी में क्यों नहीं किया गया है? सोचिए तो, रॉकी इतना डैशिंग है तो उसके पिता कितने डैशिंग होंगे? बाप बेटे की ये जोड़ी सभी के होश उड़ा देती। आखिर क्या है रॉकी के पिता की मिस्ट्री? कौन होने वाले हैं इसके पिता?
क्या वो जिंदा है भी या इस पार्ट में उनका अतीत ही दिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें एक नया एडिशन हो गया है और वो है इसके विलन का। जी हाँ दोस्तों, इस खूंखार विलन का नाम है अधीरा और इस भूमिका को निभा रहे हैं संजय दत्त। उनका रूप इतना भयानक दिखाया गया है कि देखने वाले की रूह कांप उठती है। लेकिन अधीरा और रॉकी में क्या कोई रिश्ता है? क्या अधीरा ही है रॉकी के पिता? दोस्तों हम केजीएफ की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब तक तो ये भी नहीं पता चल पाया है कि केजीएफ चैप्टर 2 का फाइनल पार्ट है भी या नहीं। मतलब क्या मेकर्स केजीएफ पार्ट 3 के बारे में सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है? दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर कि आपको रॉकी के पिता कौन लगते हैं और क्या केजीएफ चैप्टर 2 इसका आखिरी पार्ट होगा या फिर इसका थर्ड पार्ट भी आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को करिए स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में, जहां आपको मिलती हैं सभी मसालेदार गॉसिप्स और लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए जानते हैं क्या है आज के फिल्मी पिटारे में। दोस्तों अपने रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। दर्शक इसका इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहे हैं ये बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब से बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के इस फिल्म में अधीरा का किरदार निभाने की बात सामने आई है, तब से तो उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं। आपको बता दें अधीरा इस फिल्म का लीड एंटागोनिस्ट होगा, जो कि दावा किया जा रहा है कि गरुण से भी ज्यादा पावरफुल और विकेट होगा। केजीएफ लवर्स को इसकी एक झलक पोस्टर से तो मिली थी, लेकिन जब ट्रेलर में इसको और ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इस टीजर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड तोड़ दिए। जब हर अपडेट के साथ फिल्म का लेवल अप होता जा रहा है तो ये फिल्म वेट वर्दी तो है ही। तो आइए बताते हैं आज कौन सी मजेदार अपडेट है आपके लिए। अच्छा, आपको केजीएफ चैप्टर 1 में यश का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग तो याद ही होगा, सलाम रॉकी भाई। याद क्यों नहीं होगा, उस गाने ने सबके रोंगटे जो खड़े कर दिए थे। और आपको बता दें कि फिल्म का म्यूजिक स्कोर यानी बैकग्राउंड स्कोर भी इतना जबरदस्त था कि दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा ही था। इसके अलावा कोक के रथ में, गली गली और सुल्तान जैसे सभी गीतों को काफी पसंद किया गया था और सबने टोकरी भर भर के तारीफें बटोरी। हालांकि केजीएफ चैप्टर 1 में लीड एंटागोनिस्ट करुण के लिए कोई भी इंट्रोडक्टरी सॉन्ग नहीं था, लेकिन हमारी इस फिल्म में यानी केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा के लिए भी एक इंट्रोडक्टरी सॉन्ग रखा गया है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं ये मजेदार अपडेट कि फिल्म मेकर्स ने अधीरा की एंट्री के लिए भी एक हाई वोल्टेज सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, जिसे आवाज दी है पूरे 3 सिंगर्स ने, और इसके लिए सैंडलवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड के 3 आर्टिस्ट साथ आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि तेलुगु सिंगर पृथ्वी का कहना है कि गाना इतना दमदार होगा कि इसे सुनते ही फैंस के पसीने निकल जाएंगे। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कोरियोग्राफर बजरंगी मोहन करेंगे इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। जैसे ही इस गाने की और डिटेल्स आएंगी हम हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन तब तक इस गाने को लेकर ऐसी जानकारी दी है रवीना टंडन ने। तो दोस्तों बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों केजीएफ 2 के लिए उम्मीदें बहुत अधिक हैं, क्योंकि प्रशंसक अपने पसंदीदा रॉकी भाई उर्फ यश को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। इसके अलावा इस बार संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार भी सीक्वल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसने इस फिल्म के प्रचार को और बढ़ा दिया है। जहां कहानी की एक सामान्य रूपरेखा के बारे में प्रशंसकों को पता है, क्योंकि वो एक पहले अध्याय में समाप्त हुई थी, जहां एक्शन मुख्य फोकस है। नवीनतम चर्चा में कहा गया है कि एक्शन से भरपूर फिल्म में कुछ भावनात्मक दृश्य भी होंगे जो बहा देंगे दर्शकों के आंसू। अब दोस्तों केजीएफ 2 की डबिंग आर्टिस्ट अमला नायडू के अनुसार सीन में रॉकी की मां का रॉकी को बचाने के लिए एक सिंगल मदर के रूप में उनके संघर्ष के बारे में भी एक छोटा सा हिस्सा होगा। अमला ने कहा कि आगामी सीक्वल रॉकी भाई की मां की भूमिका को किंग मेकर बनाने के प्रकाश डालेगा और ये फिल्म के सबसे अच्छे भावनात्मक पहलुओं में से एक होगा और प्रशंसकों को इस सीक्वेंस को देखने के लिए आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब वर्तमान में केजीएफ 2 की रिलीज की तारीख को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि निर्माताओं ने इसकी पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख 16 जुलाई को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अब लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता के कारण सीक्वल से संबंधित बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन कार्य अभी भी लंबित हैं, इसलिए रिलीज को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों ताजा अपडेट के मुताबिक फिल्म तभी रिलीज होगी जब सरकार पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति देगी। अब केजीएफ 2 को एक बड़े पर्दे पर बनाया गया है और ये एक अखिल भारतीय फिल्म है जो कई भाषाओं में रिलीज होगी। निर्माता और निर्देशक प्रशांत नील ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वह दर्शकों के अधिकतम प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके
सके और ये तभी संभव होगा जब सिनेमा घरों को अपनी 100% की क्षमता के साथ सीट भरने की अनुमति होगी। अब दोस्तों इससे जुड़ा ऐलान हाल ही में रवीना टंडन ने किया है, इसलिए KGF 2 की रिलीज की तारीख ज्यादातर सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। अब आपको बता दें दोस्तों कि माँ बेटे के भावुक सीन होने से फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यह जो कि कुछ बन पाया है वो अपनी माँ की मेहनत और सीख के बदौलत था। वो अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार करता है और इसलिए माँ बेटे के इस प्यारे रिश्ते को फिल्म में दिखाने से फिल्म काफी भावुक और रियल लगेगी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि माँ बेटे के रिश्ते के बारे में दिखाने से लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए? रॉकी भाई के रूप में यश अभिनीत KGF चैप्टर 2 साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अधीरा के रूप में शामिल करने के बाद से प्रशंसकों के बीच प्रत्याशा आसमान छू चुकी है। जी हां दोस्तों, KGF 2 के कई पात्रों में से अधीरा का मुख्य विलन होने और गरुड़ा से अधिक शक्तिशाली और दुष्ट होने का दावा करने वाले प्रशंसकों के लिए फिल्म को प्रतीक्षा करने योग्य बनाने के लिए पहले से ही उत्साह को बढ़ा दिया गया है। KGF प्रेमियों को पोस्टर से संजू की अधीरा के रूप में एक झलक मिली जिसने अब तक कई विश्वव्यापी रिकॉर्ड तोड़े। KGF चैप्टर 1 के हिंदी डब संस्करण में रॉकी का परिचयात्मक गीत सलाम रॉकी भाई ने वास्तव में सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। जी हां दोस्तों, इसके अलावा कोक के रथ में, गली गली और सुल्तान को भी सभी ने खूब सराहा और पसंद भी किया है। यहाँ तक की फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी ध्यान देने योग्य था। हालांकि KGF चैप्टर 1 में मुख्य विलन गरुड़ा को एक इंट्रोडक्टरी गीत नहीं मिला, लेकिन अधीरा को KGF फ्रेंचाइजी के सीक्वल में एक इंट्रोडक्टरी गीत मिलेगा। नवीनतम अपडेट के अनुसार निर्माताओं ने अधीरा की शुरुआत के लिए एक हाई वोल्टेज गाना रिकॉर्ड किया है। गाने के लिए 3 गायकों ने अपनी आवाज दी है। गायक 3 उद्योगों यानी कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड से हैं। जैसे कि तेलुगु गायिका पृथ्वी चंद्रा ने कहा, गाना इतना शक्तिशाली है कि सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। इसके अलावा गाने को बजरंगी मोहन ने कोरियोग्राफ किया है, जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध नृत्य कोरियोग्राफर है। हालांकि गाने के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है। एक इंटरव्यू के दौरान गायक ने इस बात का खुलासा किया है और वह गाने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अधीरा अधिक शक्तिशाली होने के कारण विशाल पृष्ठभूमि स्कोर और एक शक्तिशाली गीत के साथ एक शानदार प्रविष्टि प्राप्त करेगा, जो रॉकी के प्रारंभिक गीत पर हावी हो सकता है। संजू ने अब तक विभिन्न फिल्मों में कई विलन के किरदार निभाए और ऋतिक रोशन और ऋषि कपूर अग्निपथ में उनका कांचा का किरदार याद रखने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मुसाफिर से बिल्ला और पानीपत में अहमद शाह अब्दाली भी सराहनीय किरदार रहे हैं। जैसा कि लगता है संजू KGF चैप्टर 2 में सबसे दुष्ट और क्रूर चरित्र को विलन के रूप में चित्रित करेंगे, जिसके लिए निर्माताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ दिनों पहले होमबेल फिल्म ने घोषणा की थी कि KGF चैप्टर 2 की अंतिम रिलीज की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी और बहुप्रतीक्षित फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में उतरेगी, क्योंकि देश भर में महामारी की स्थिति बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, सभी को मेकर्स की ओर से अगली अनाउंसमेंट तक इंतजार करना होगा। संभवतः एक बार अंतिम रिलीज की तारीख तय हो जाने के बाद निर्माता KGF चैप्टर 2 के और अपडेट और झलकियां देंगे। तो क्या लगता है, इन सब चीजों को टाटा बाय कर देना जी, ऐसा हमारे बुजुर्ग मानते हैं। युवा गर्म खून वाले, कुछ पाने की चाह रखने वाले, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ पैसा शक्ति ही चाहिए। यही हाल है KGF 2 का। जी हाँ, पैसा नाम तो सुना ही होगा आपने। KGF 2 पैसे की माया जैसी, और यही बात KGF के प्रशंसकों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। लेकिन आज हम कुछ हटकर आपको बताना चाहते हैं। KGF की कहानी सब जानते हैं, पर क्या कोई ये जानते हैं कि ये कोई सच्ची स्टोरी तो नहीं? जी हाँ, तो आपको बता दें कि यह एक सत्ता और पैसे के भूखे लोगों की सच्ची कहानी है। साथ ही आपको यह बता दें कि KGF 2 में सबका ध्यान अधीरा पर फोकस है, क्योंकि वो बॉलीवुड से और खलनायक भी रह चुकी। लेकिन KGF के रॉकी को इस चक्कर में सब भूल ही चुके, मानो जैसे कि यश फिल्म में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो। लेकिन वो शेर, और अगर शेर सो भी रहा हो तब भी वो शेर ही रहता है। रॉकी जो मूवी में अनाथ हो जाता है, वो पूरी मुंबई पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि वो एक गरीब था और पैसा कभी देखा नहीं था, जिसकी वजह से वो गरीबों की मदद भी करता था पर गुंडा बनकर। और वो हमेशा कोशिश में रहता कि अगर वो कभी मदद करे तो दिखा कर करे, ताकि गरीबों का साथ उसके लिए फायदेमंद रहे। रॉकी की सब नीति या फिर कहे षड्यंत्र सत्ता को पाने का, जिसमें वो हमेशा सफल ही रहा।
बता दें कि रॉकी रणनीति बनाने आंखों के सामने से उजल होने और एक ऐसा शरीर ढूंढा जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है पर गलत तरीके से। अब भाई गलत तो गलत ही होता है, चाहे वो कितना ही अच्छे क्यों न हो, इसी पर बिगड़ेगी केजीएफ की रमेगा से। जहाँ दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग रॉकी को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि रॉकी ने उनको ऐसा दिखाया कि वो हीरो। जी हाँ, यही वजह थी केजीएफ के इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की, क्योंकि रॉकी एक जवान है, कर्मठ है। देश और दुनिया में कई लोग आज भी ऐसे हैं जो रॉकी जैसा बनना चाहते हैं। रॉकी के किरदार को ऐसा पोर्ट्रेट किया गया है कि आज का युवा वर्ग उससे रिलेट कर सके। प्रशांत नील ने बहुत सोच समझ कर इस फिल्म के युवा को आकर्षित किया ताकि फिल्म की पॉपुलैरिटी आसमान को छू जाए। जी हाँ, और ऐसा ही हुआ है। बेशक रॉकी का नाम था, लेकिन उसका किरदार मूवी में किसी भी मोड पर कमजोर नहीं पड़ा था, और आगे आने वाली फिल्म में ना रॉकी कमजोर पड़ेगा। यह युवा वर्ग को जहाँ अपने सपनों को पूरा करने को प्रेरित करता है, वहीं दूसरी ओर गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देता है, जो कि गलत है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो फिल्म है, उसके किरदार को बहुत सराहा गया है, काफी एक्शन सीन भी हुए हैं। केजीएफ 2 में अब देखना होगा कि क्या अनामिका से रॉकी को मार देगी, क्या केजीएफ में रॉकी जिंदा रहेगा या मर जाएगा। लेकिन साथ में ये भी तो सोचो, क्या कभी हीरो मरता है? क्या हीरो नहीं मरता तो कौन मरेगा, क्योंकि केजीएफ 2 में किसी का तो मरना पक्का है। रमिका सेन किसका डेथ सर्टिफिकेट साइन करने वाली है? केजीएफ सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इतना तो पक्का है कि इसका अगले पार्ट की कहानी को बनाने के लिए इस केजीएफ 2 में किसी न किसी को तो मरना होगा। जी हाँ, तभी तो आने वाले पार्ट में बदला होगा, तभी तो सतम आने की जदोजहद होगी। तो आपको क्या लगता है, किसका अंत होगा, अधीरा का या रॉकी का? जो कि इस केजीएफ पर कब से अपनी नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, और गरुड़ा की मौत के बाद सभी लोग इस पर अपना हक जताने के लिए सामने आते हैं। वहीं रॉकी की नियत भी अब बदल जाती है, अब उसे केजीएफ चाहिए, मुंबई नहीं। इसी बीच अधीरा की वापसी की भी खबरें आती है, और साथ ही साथ इनायत खल, जो कि काफी समय से मुंबई को हड़पने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन सिर्फ रॉकी भाई की वजह से वो मुंबई को हड़प नहीं पाता, वो भी केजीएफ में कदम रखने जा रहा है। ऐसे में कहानी को कुछ इस तरह से मोड़ा जाएगा, जहां अधीरा की ताकत का अंदाजा केजीएफ के बाकी पार्टनर्स को है, लेकिन रॉकी भाई को नहीं है, और रॉकी भाई के बड़ा आदमी बनने का जुनून का अंदाजा केजीएफ के पार्टनर्स को है, लेकिन अधीरा को नहीं है। ऐसे में दोनों को ही, यानी कि अधीरा और रॉकी भाई को, आपस में केजीएफ के बाकी पार्टनर्स भिड़ा देंगे, ताकि ये दोनों आपस में झगड़ा करके अपने आपस में खत्म हो जाए, ताकि वो लोग केजीएफ पर अपना राज स्थापित कर सके। लेकिन ऐसे में गरुड़ा की मौत की खबर दुबई के शेख और बहुत बड़े स्मगलर इनायत खलील को लग जाती है, जिसे केजीएफ की सच्चाई के बारे में कुछ खास मालूम नहीं है, वो सिर्फ मुंबई पर अपना राज जमाना चाहता है। ऐसे में इनायत खलील रॉकी भाई के साथ हाथ मिला लेता है, और केजीएफ के पार्टनर अधीरा के साथ मिलकर आगे अपने हक के लिए लड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन आखिर में जिंदा रहता है और केजीएफ पर राज करता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सभी लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ अलायंस बना रहे हैं, क्या आखिर तक एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, या एक दूसरे को ही मारने के लिए षड्यंत्र रचते रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमारे साथ अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में कब धमाका मचाएगी। दोस्तों, साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, जिसे पैन इंडिया यानी कि पूरे देश को इंतजार है, लेकिन ये फिल्म हमें बहुत ज्यादा तड़पा रही है। एक तो कोविड की वजह से सब कुछ खल्लास सा लग रहा है, और 16 जुलाई को इसे रिलीज होना था, लेकिन प्लान चेंज कर रहे हैं, दूसरी लहर है कोविड की, इस वजह से मेकर चाहते हैं कि हम इसे सही डेट पर रिलीज करें, ताकि इतनी भारी भरकम जो फिल्म है वो अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाए। आपको बता दें 16 जुलाई को इसको रिलीज होना था, लेकिन नहीं हो पाएगी, और अब नई डेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें यश की इस फिल्म के निर्देशक है प्रशांत नील की इस फिल्म में यश के साथ श्रीनिधि शेट्टी नजर आएंगी। इनके साथ ही संजय दत्त और रवीना टंडन भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यश को लेकर खबरें हैं कि वो डायरेक्टर नॉर्थन के साथ एक फिल्म साइन करने वाले हैं, और इस फिल्म में वो नेवी ऑफिसर होने वाले। वहीं
आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर इस फिल्म के बाद प्रभास की फिल्म सल्लार की शूटिंग शुरू करेंगे। मेकर्स ने इस साल की शुरुआत में यश और संजय दत्त की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर रिलीज किया था। टीजर में रॉकी यानी यश और अधीरा यानी संजय दत्त के लुक को भी देखने का जो सपना था दर्शकों का वो पूरा हुआ और भी ज्यादा क्रेज बढ़ गया इस फिल्म के लिए। वहीं आपको बता दें फिल्म में संजय दत्त और यश के खतरनाक फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं जिसका इंतजार सभी को है और शर्टलेस वो सीन होंगे और जब वो पर्दे पर आएंगे तो वाकई आग लग जाएगी। आपको बता दें फिल्म की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहाँ पे ये खत्म हुई यानी कि इन दोनों के होने से फेमस हुई है तो आपको गलत लगता है क्योंकि इस फिल्म का हाई बस बनाने में सबसे ज्यादा उन लोगों का हाथ था जिसने फिल्म को एक रियल एस्पेक्ट दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केजीएफ के उन मजदूरों की जो कोलार में काम करते थे। जिस कोलार के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान इन मजदूरों को हुआ, तो कहाँ हैं वो कोलार के मजदूर। अब दोस्तों बता दें कि खदान के बंद होने से उन मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। वो पहले केजीएफ में काम करते थे, वो बिजली की कमी से जूझते थे, वो बाद में भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा धन और स्वास्थ्य की सहायता के बिना गरीबी में जीते रहे। दोस्तों बता दूं कि लगभग 260,000 लोग अभी भी वहां रहते हैं और शौचालय की उचित सुविधा, बिजली और पीने के पानी की किल्लत आज भी वहां हमेशा रहती है। तो बता दूं कि खदान को बंद करने का निर्णय सिस्टमैटिक नहीं था जिसका परिणाम उन मजदूरों को भुगतना आज भी पड़ रहा है। दोस्तों बता दूं कि कोलार जिला बैंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और दूरी की वजह से लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए 100 किमी दूर आना पड़ता है। अब दोस्तों बता दूं कि खदान में काम करने वाले लोग अब केमिकल रिएक्शन के कारण फेफड़ों के कैंसर और सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारियों का शिकार बन चुके हैं। कुछ लोग इन्हीं बीमारियों की वजह से मर भी चुके हैं और आज भी कुछ अपनी जिंदगी की सांसों के लिए बीमारियों से लड़ रहे हैं। दोस्तों कोलार के बंद होने से मजदूरों के हुए नुकसान को देंगे यश। तो दोस्तों अगर केजीएफ चैप्टर 2 से सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो निर्माता उन्हें संजय दत्त के किरदार अधीरा को उभारने के लिए एक गजब का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संजय दत्त फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में एक धमाकेदार गाने पर एंट्री मारेंगे। मेकर्स ने म्यूजिक कंपोजर्स को बता दिया है कि उन्हें सलाम रॉकी भाई जैसे ही एक धमाकेदार एंथम सॉन्ग चाहिए जिस पर दर्शक नाचने को मजबूर हो जाए। दोस्तों केजीएफ पार्ट 1 में यश के ऊपर निर्माता उन्हें सलाम रॉकी भाई सॉन्ग फिल्माया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मेकर्स चाहते हैं कि अधीरा के ऊपर भी इसी स्तर का गाना फिल्माया जाए ताकि दोस्तों केजीएफ 2 का स्तर बढ़ जाए। अब अधीरा के किरदार के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने बताया, मैंने अधीरा जैसा किरदार ही नहीं निभाया, इस किरदार के लिए मैं 1.5 घंटे तक मेकअप कराता था, इस रोल के लिए मैंने काफी मेहनत की है। अब दोस्तों बता दूं कि अफवाह व्याप्त है कि बोयापति श्रीनु अखंड के बाद अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए केजीएफ फिल्म यश के साथ सहयोग करेंगे। ये कहने की जरूरत है कि बोयापति श्रीनु और यश के बीच एक संभावित सहयोग पेपर बोट की कगार पर लग रहा है। दोस्तों बता दूं कि यश ने केजीएफ के साथ एक सामूहिक छवि प्राप्त की है, वो दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के कुछ एक्शन हीरोज में से एक है। केजीएफ में उनके गतिशील व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज एक हाई अटैक एक्शन थ्रिलर जो एक से अधिक मौकों पर तर खास बनती है ने उन्हें उपरोक्त सामूहिक छवि अर्जित की है। तो दोस्तों दर्शक अब भविष्य में भी उनके ऐसी और फिल्मों की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं कि कभी कभी ब्लिप्स के बावजूद बोयापति श्रीनु टॉलीवुड में व्यावसायिक रूप से सिद्ध खड़े निर्देशकों में से एक है। वो एक व्यावसायिक मास मसाला एंटरटेनर की कल्पना करने में समक्ष से अधिक है। उन्होंने सिम्हा और लेजेंड के साथ बालकृष्ण को 2 बड़ी ब्लॉकबस्टर देकर अतीत में भी ये साबित किया था। अब दोस्तों अब जब यश भविष्य में और अधिक एक्शन उन्मुख फिल्मों को लेने की संभावना रखते हैं तो बोयापति श्रीनु अपनी आगामी परियोजनाओं में से एक को संभालने के लिए सही व्यक्ति हो सकता है। अब दोस्तों बता दूं कि यश की छवि अब एक तरह से बालकृष्ण के समान है क्योंकि दोनों के फुल ऑन एक्शन फिल्मों में अभिनय करने की उम्मीद है। अब इसलिए दोस्तों बोयापति श्रीनु के साथ यश का संभावित सहयोग किसी ने प्रशंसकों को उत्साहित कर सकता है। दोस्तों क्या लगता है? बॉय को बना दिया खलनायक और मजे की बात ये है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ संजय दत्त ही ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शान से खुद को खलनायक कहा। कह सकते हैं कि संजय दत्त एक सफल हीरो के साथ साथ एक सफल विलेन भी रहे हैं।
powerful people make places powerful.
powerful people make places.